हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 12 एटम्स इन सीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 5। आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको यूट्यूब की तरफ से ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन हमेशा दिया जाएगा जब भी कोई वीडियो नई वीडियो हमारे चैनल में अपलोड होगी। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 12.14, ठीक है, 12.14। क्लासिकली एन इलेक्ट्रॉन कैन बी इन एनी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। देन What determines the typical atomic size? Why is an atom not, say, 1000 times bigger than the typical size? The question had greatly puzzled Bohr before he arrived at his famous model of the atom that you have learned in the text. To simulate what he might well have done before his discovery, let us play as follows with the basic constants of nature and see if we can get a quantity with the dimension of length that is roughly equal to the known size of an atom, which is approximately equal to 10 to the power minus 10 meter. A. Construct a quantity with the dimension of length from the fundamental constants E, Me, and C. Determine its numerical value. B. You will find that the length obtained in A is many orders of magnitude smaller than the atomic dimension. Further, it involves C, but energies of atom are mostly in non-relativistic domain where C is not expected to play any role. This is what many have suggested Bohr to discard C and look for something else to get the right atomic size. Now the Planck's constant H had already made its appearance elsewhere. Bohr's greatly insight lay in recognizing that H, Me, and E will yield the right atomic size. Construct a quantity with the dimension of length from H, Me, and E, and confirm that the numerical value has indeed the correct order of magnitude. ये बहुत लंबा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इजी क्वेश्चन है, मीन्स ऐसा कुछ नहीं है कि काफी डिफिकल्ट है। तो इसको शॉर्टकट में मैं इसको समझा देता हूँ आपको, ठीक है। पार्ट ए में क्या करना है, पार्ट बी में क्या करना है, ठीक है। अब पार्ट ए में बोल रहा है ई मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम ई मीन्स पार्ट ए का देखते हैं, तो ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये लेके इन क्वांटिटीज को लेके हमें क्या निकालना है, हमें साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द क्वांटिटी विद द डायमेंशन ऑफ लेंथ फ्रॉम द फंडामेंटल कांस्टेंट ई, एम ई और सी, डिटरमाइन इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है।
ये निकालते हैं हम। तो क्वांटिटी में आप तो देखिए यहां पे क्या होता है, हम फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, वर्क डन यहां पे एनर्जी इज इक्वल टू भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। ठीक है, और Fs इज इक्वल टू E लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू E बाय F कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा इजी ढंग से इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट पे मूव कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए एनर्जी लिख पोटेंशियल एनर्जी को ई लिखते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू डिस्टेंस ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें E इज इक्वल टू क्या लिखना है, एम एम ई सी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। ठीक है, आइंस्टाइन फॉर्मूला ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस आर को, इस आर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आर को इधर ले आइए, आर इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एम एम ई सी स्क्वायर, ये हो गया आपका आर का ई क्वांटिटी। देखिए अब ई क्वांटिटी ई के फॉर्म में है, एम ई के फॉर्म में है और सी है, और कुछ है इसके अलावा, ई है एम ई है सी है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट है 9 × 10⁻⁹ इसका वैल्यू होता है। बस यही निकालना था हमें, यही बस इसके वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हमारा लेंथ जो साइज है वो निकल आएगी पार्ट ए का। तो ये है, अब उसी तरह पार्ट बी को सॉल्व करना है। तो पार्ट ए का सॉल्यूशन देख लेते हैं फिर, मैं नोट की तरह लिख देता हूँ पार्ट ए के सॉल्यूशंस को, उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना है, इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एम ई इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻³¹ kg। सी स्पीड ऑफ द लाइट है। ठीक है, अभी हमने इक्वेशन निकाला था क्या, साइज ऑफ द एटम ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ई अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये इस वैल्यू में सारे वैल्यूज को बैठा देने हैं, पुट कर देना है सारा वैल्यू, तो आपका निकल आएगा जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को वहाँ पे वैल्यू बैठा देनी है, फिर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे ई का वैल्यू बैठा देना है, फिर एम ई का वैल्यू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फिर सी के वैल्यू वेलोसिटी ऑफ द लाइट, तो हमारा ये इतना मैटर आ जाएगा आंसर, बस यही निकालना था। अब देखिए, हेंस द न्यूमेरिकल वैल्यू इज टेकन ऑफ द क्वांटिटी टेकन क्वांटिटी इज मच स्मॉलर देन द टिपिकल साइज ऑफ द एटम। यही निकालना था हमें कि साइज एटम का साइज से वो वैल्यू जो है वो काफी कम आता है कि नहीं, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आ रहा है एटमिक साइज से काफी कम आ रहा है ये वैल्यू। चलिए अब बी पार्ट देखते हैं। अब सेकेंड पार्ट में बी का सोल्यूशन ये है कि रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट ये कितना होता है, R इज इक्वल टू हम पिछले सम्स में भी देखे थे क्या होता था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच अपॉन 2 पाई, याद रखना है ये फॉर्मूला, का होल स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर।
ठीक है। तो ये बोर्स ऑर्बिट का रेडियस का वैल्यू ये होता है। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। देखिए तो सारा हमें इस फॉर्म में आ गया, एच आ गया, एम ई आ गया, ई आ गया, ठीक है। सारे का वैल्यू बैठाएंगे और हमारा क्या आएगा, रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट निकल आएगा, ठीक है। और इससे हमें एटॉमिक साइज मिल जाएगा। अब ये जो एटॉमिक साइज मिलेगा वो काफी सिमिलर होगा प्रैक्टिकली जो हमारा एटॉमिक साइज पाया गया है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि आफ्टर प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स ने जो उसके इस्तेमाल से हमारा क्या हो गया, एटॉमिक साइज एक्यूरेट निकलने लगा, ठीक है। तो ए प्रूव करना है तो बी पार्ट भी देख लेते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। अब ये देखिए, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये दिया गया है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच है। अब ये आर की वैल्यू है, बोर्स रेडियस की वैल्यू है ये, और ये याद कर लीजिएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखना है, बोर्स रेडियस, और एक सम में यूज हुआ है, और यहाँ पे सारी चीजें पता है हमें, 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू इतनी होती है, 9 × 10⁻¹, और उसके बाद यहाँ पे सारे वैल्यूज बैठा देने हैं तो हमें इतना आ गया। तो हेंस द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी टेकन इज इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, ये वैल्यूज जो मिलती है एटॉमिक साइज से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम को देखते हैं। नेक्स्ट सम है 12.15, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इतना, एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। व्हिच ऑफ द आंसर अबव वुड चेंज इफ द चॉइस ऑफ द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज्ड। तो व्हिच ऑफ द आंसर अबव वुड चेंज इफ द चॉइस ऑफ द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी चेंज, चलिए इनका आंसर निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और थर्ड वाले का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार मैं समझा दूंगा, हिंट दे दूंगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा मैं सॉल्यूशन समझा दूंगा, फिर से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो टोटल एनर्जी हमें दिया गया है इतना, ये है टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी, माइनस होता है टोटल एनर्जी के, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इतना है तो इसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर तो हो गया ये, ठीक है, फर्स्ट का आंसर प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजीली निकल आया। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अब पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी -2k, काइनेटिक एनर्जी का माइनस का दुगना होता है, ठीक है, ट्वाइस होता है। अब वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हमको पता है अभी, प्लस 3.4, तो -2 × +3.4 कीजिए तो -6.8 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये भी वर्बली हो गया। और थर्ड के क्वेश्चन को फिर से समझिए कि व्हिच ऑफ द आंसर अबव, यहां पे दो आंसर निकाले, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, व्हिच ऑफ द आंसर अबव वुड चेंज इफ द चॉइस ऑफ द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी चेंज। अब तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चॉइस है जीरो, वो चेंज हो जाएगा, तो ए और बी दोनों में से कौन सा आंसर चेंज हो जाएगा। तो अब इसको ध्यान से समझिए, पोटेंशियल एनर्जी किस पे
डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे, कौन कौन से रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट क्या है, जीरो लिया गया है। यदि हम ये रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यदि ऐसा होता है तो हम जानते हैं टोटल एनर्जी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का एडिशन होता है। अब इनमें से यदि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाए तो टोटल एनर्जी भी हमारा चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब इनको इनका नोट्स की तरह मैंने लिखा लिख दूंगा। अच्छा पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ये आसान सा क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन है, तो खुद से एक बार ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देखिए। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए खुद से। चलिए ए पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ई गिवन है हमारा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी, देयरफॉर के इज इक्वल टू माइनस ई। अब माइनस ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन द गिवन स्टेट इज प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ ट्वाइस इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दैट मीन्स यू इज इक्वल टू 2 - 2 के। अब -2 k की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आ गया -6.8। हेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द गिवन स्टेट इज -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए सी पार्ट देखते हैं। अब सी पार्ट में क्या है, एक्सप्लेनेशन है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए गिवन सिस्टम डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट टेकन। हेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए रेफरेंस पॉइंट इज टेकन एज जीरो। हाँ यहाँ पे जीरो लिया गया। इफ द पोटेंशियल एनर्जी इफ द रेफरेंस पॉइंट इज चेंज्ड, रेफरेंस पॉइंट को ही हम चेंज कर देते हैं, देन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल ऑल्सो चेंज। सिंस द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनमें से क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया, देयरफॉर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी भी हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट सम को देखते हैं। नेक्स्ट सम है हमारा 12.16। इफ बोर्स क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई इज अ बेसिक लॉ ऑफ नेचर, इट शुड बी इक्वली वैलिड फॉर द केस ऑफ प्लेनेटरी मोशन ऑल्सो। Why then do we never speak of quantization of orbits of planet around the sun? ठीक है, यदि ये जो बोर्स पॉस्टुलेट है ये एन एच बाई टू पाई दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई ऐसा है, ये बेसिक लॉ है, तो हम ये तो यूनिवर्सली ये लॉ ट्रू होना चाहिए, तो हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन के लिए हम ये कंसिडर क्यों नहीं करते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ये कंसिडर क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, ये है क्वेश्चन। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये डिस्क्रिप्टिव आंसर है, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, साथ के साथ आपके लिए लिखा भी हुआ है। We never speak quantization of orbits of planet around the sun because angular momentum associated with the planetary motion is relative to a very high value of Planck's constant. Planck constant से काफी ज्यादा value होता है, कहाँ, angular momentum planets में। तो Earth का angular momentum ले लीजिए, ये इस order में होता है, 10^70 के order में होता है। इससे क्या होगा, हाई वैल्यू ऑफ क्वांटम लेवल्स हो जाएगा, मीन्स एन की भी हाई वैल्यू हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 10^70 हो जाएगा, एन की वैल्यू भी उसी ऑर्डर में होगी। अब
For large value of n, successive energy and angular momenta are relatively very small. अब large value of n के means 10^70 के order में है, तो इसके successive energy और angular momentum की value क्या होगी? काफी कम होगी, ठीक है? Energy और angular momentum की value काफी कम हो जाएगी. इसीलिए हम लोग क्वांटम लेवल फॉर प्लैनेटरी मोशन आर कंसिडर्ड कंटिन्यूस. इसलिए हम लोग क्वांटम लेवल को कंटिन्यूस कंसिडर करते हैं, ठीक है? ये समझ में आया? अब ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन. अब नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका नेक्स्ट सम है 12.17. ऑब्टेन द फर्स्ट बोर्स रेडियस एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ म्यूनिक हाइड्रोजन एटम. दैट्स एन एटम इन विच अ नेगेटिवली चार्ज्ड म्यून, दैट इज म्यू माइनस, ऑफ मास अबाउट 207 ME orbits around a photon. ठीक है? तो क्वेश्चन को समझिए पहले. Obtain the first Bohr's radius निकालनी है and ground state energy भी निकालनी है of Munich hydrogen atom. किसकी? Munich hydrogen atom की. ठीक है? अब यहां मैंने का definition दिया है कि negatively charged म्यून होता है, दैट इज म्यू माइनस होता है. और उसके मास क्या दिया हुआ है? 207 ME, 207 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो देखिए यहां पे हमें दिया गया है मास ऑफ म्यून इज इक्वल टू 207 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गिवन है यहां पे. ठीक है, तो हमने लिख दिया इसे. अब बोर के हिसाब से क्या होता है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के. ठीक है, अब उसी हिसाब से हम आगे लिख सकते हैं ग्राउंड स्टेट में एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के. यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो फिर आगे बढ़ते हैं. एनर्जी मास के इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है. उसी तरह उसी यदि इलेक्ट्रॉन में ऐसा होता है तो म्यून में भी होता है. ठीक है, मास ऑफ म्यून के बराबर होता है, करेक्ट? तो इस एट इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हैं? एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम हम लिख सकते हैं मास ऑफ म्यून रेडियस ऑफ म्यून m1r1 इज इक्वल टू m2r2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख सकते हैं. इसमें देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, हमें क्या निकालना है? रेडियस निकालना है. आराम से निकल जाएगा MERE अपॉन ये मास ऑफ म्यून. अब ये वैल्यू बिठा देंगे हाँ, तो हमारा ये आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें तो ऑलरेडी ये वैल्यू दिया हुआ है, तो हम म्यून की वैल्यू क्या बिठा सकते हैं यहाँ? तो MERE अपॉन 207 ME लिख सकते हैं MU के बदले में यहाँ पे. ठीक है, तो ये ME कट गया, RE अपॉन 207 रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें पता है, उसको 207 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. रेडियस का ये जो आएगा वो आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए इसका तो आप लोग ट्राई कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है हमें एनर्जी भी निकालनी है. तो एनर्जी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अपॉन म्यून का एनर्जी.
ये किसके इक्वल होगा, मास के प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रॉन का मास मियोन का मास, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं मियोन इलेक्ट्रॉन मास ऑफ मियोन इज इक्वल टू 207 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कट गया, तो यहाँ पे आ गया एनर्जी इलेक्ट्रॉन का और एनर्जी मियोन का 1/207, इतना हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मियोन इज इक्वल टू 207 टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट हमें पता है कितना, -13.6, ठीक है। इसका ये सॉल्व कर लीजिए, ये मियोन का एनर्जी आपको निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोनों का, जो लोग ये तो इजी यहाँ पे सॉल्व कर दिया, मैंने नोट्स में भी बना दिया है इसको, एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन इसका। अब फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज मियोन दैट इज म्यू माइनस दैट इज एम म्यू इज इक्वल टू 207 एम ई, ये गिवन है हमारा। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल आर ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/mE, ठीक है। बोर्स रेडियस एंड एनर्जी एट द ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा, ये आर ई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू एम ई, और एनर्जी उसी तरह से एनर्जी ऑफ मियोन इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ मियोन। वी हैव द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट दैट इज आर ई इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रम, ये वैल्यू बिठा दिया यहाँ पे। अब आगे मीटर में कन्वर्ट कर लिया एंगस्ट्रम को, लेट आर म्यू इज बी द रेडियस ऑफ मियोनिक हाइड्रोजन एटम एट इक्विलिब्रियम, वी कैन राइट द रिलेशन एम यू आर यू इज इक्वल टू एम ई आर ई। अब ये वैल्यूज हमने बैठा देने हैं एम यू के बारे में 207 एम ई, और म्यू आर म्यू वैसे ही रहेगा, आर म्यू की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। आर म्यू की वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब देखिए एनर्जी निकालना है, हेंस द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट बोर रेडियस फॉर म्यूनिक म्यूनिक हाइड्रोजन एटम इज इतना, ये आंसर आपका फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब रेशियो ऑफ एनर्जीज लेंगे, तो रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ मियोन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ द मियोन। अब मास ऑफ द मियोन हम 207 बट एम ई बैठा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, यदि हम मास ऑफ एनर्जी ऑफ मियोन निकालना चाहते हैं तो 207 इंटू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज -13.6, तो इसका किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा -2.81 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हेंस द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ मियोनिक हाइड्रोजन एटम इज -2.81 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया आपका आंसर, और ये हो गया आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। आज का क्लास समाप्त करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको YouTube की तरह से ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो और आपको एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, इस मनोकामना के साथ और इस शुभकामनाओं के साथ हम लोग इस क्लास को ख़त्म करते हैं। जल्द ही मुलाकात होगी कुछ नए प्रॉब्लम्स, नए चैप्टर्स और उनके सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जहाँ तक हो सके दूसरों को हेल्प करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।